चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आज की क्लास धांसू क्लास होने वाली है। जो बच्चे इस वीडियो को छोड़कर के जाएंगे यानी कि इस क्लास को नहीं देखेंगे वह हमेशा पछताते रह जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आपका गणित है यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स है, इनके कुछ ऐसे प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि जब भी आपका एग्जाम होता है उस समय आपको कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप मॉडल सेट को, मॉडल पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि मॉडल सेट और मॉडल पेपर से ही पता चलती है कि आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न रहने वाला है। तो आज हम लोग तो ये जानेंगे ही कि कैसा प्रश्न रहने वाला है आपके एग्जाम में और कैसे आप उसका जवाब दीजिएगा। तो काफी जबरदस्त होगा आज की क्लास, तो फटाफट से इतनी अच्छी कमाल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि यह मॉडल पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे द्वारा लिखा हुआ किताब आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि जब आप गणित का परीक्षा देने जाइएगा तो टोटल आपसे 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे 100 जो क्वेश्चन होंगे वह ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से 30 जो प्रश्न होंगे वह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 15 प्रश्न का ही जवाब देना है, यानी कि 30 प्रश्न में से मात्र आधे प्रश्न का जवाब देना है, यानी कि 15 प्रश्न का जवाब देना है। उसके बाद से आपसे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से मात्र आपको 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है, आप उसका जवाब कैसे दीजिएगा, उसका सही उत्तर क्या होगा, ये हम लोग सब कुछ जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज यार लाइक कीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए रहते हैं, इस निर्देश को आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन हम सभी का जो शानदार क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो और आपको हम अच्छे से समझा भी सके, क्योंकि गणित काफी लाजवाब जो है वह सब्जेक्ट होता है, जितना अच्छा से इसे पढ़िए उतना ही मजा आता है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पहले ही बता दिया गया कि 100 प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न का जवाब देना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और देखते हैं कि कौन बच्चे सबसे शानदार तरीके से इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वह एक अभाज्य संख्या है। तो फटाफट से यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 13 एक अभाज्य संख्या है। यह क्यों है, क्योंकि आपको बता देते हैं इसके बारे में, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई दूसरा भी ऑप्शन रहेगा तो आप उसे सही जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 13 इसलिए होगा क्योंकि अभाज्य संख्या हमारी कहती है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि वह केवल 2 संख्या से विभाजित हो, एक तो स्वयं और एक एक से, यानी कि जो 13 है 13 को अगर आप विभाजित करना चाहें तो यह 1 से विभाजित होगा और यह 13 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, यानी कि यह अभाज्य संख्या हो जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है और ऑप्शन अगर दूसरा रहता है तो आपसे ऑप्शन पूछ सकता है 17 या फिर 13, इन्हीं 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा या फिर आपके एग्जाम में कोई दूसरा भी ऑप्शन देता है तो आपको सोचना नहीं है, आप इस मेथड को याद करके रखिएगा, यानी कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो पहले ही बताया कि आप इस वीडियो में पूरा अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को देखते ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि गलती हो गई है, क्योंकि वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछ दिया गया होता है कहीं कहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन की यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए बी का जो होगा वह क्या होगा, यानी कि ए और बी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा वह सिर्फ 2 होगा, यानी कि 2 ही संख्या से विभाजित होगा, एक तो एक से और एक खुद संख्या से, यानी कि ए ए से ही विभाजित होगा, और बी कह रहा है एक 1 से और बी से ही विभाजित होगा। हम सभी एलसीएम में जानते हैं कि अगर जो मिलने वाला होता है दोनों में उसे जो कॉमन होता है उसे हम लोग मिला करके और जो नहीं होता उसको सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ए गुने बी से, अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राप्त हम सभी का क्या होगा, तो ए बी होगा, यानी कि हम सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम सभी का ऑप्शन जो है सी नंबर दिया गया है, वो सी नंबर हम सभी का बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो काफी लाजवाब है और आपको गर्दा मचा देनी है इस साल आपके एग्जाम में, अपने एग्जाम में, है ना। तो चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ दूसरा भी पूछा जाता है,
तो एकदम ध्यान से समझ रही है, मेथड समझ रही है, जिससे कि गलती ना हो, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किसी संपूर्ण त्रिभुज देख सकते हैं में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण जो होता है वह समकोण होता है, यह परिमेय या कौन सा परिमेय है। तो अक्सर बच्चे इसमें गलती करेंगे, सबसे बड़ा गलती यहाँ पे ये करेंगे कि ऑप्शन बच्चे सी नंबर बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है बाबू, ऑप्शन सी नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होता है, ये तो चीज हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो बराबर होता है, तो पहली भुजा के जो सामने का कोण होता है वो क्या होता है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री वाला बताना है। तो 90 डिग्री किसमें होता है, वो तो पाइथागोरस के विलोम में होता है बिल्कुल। तो ये आपका जो सही उत्तर होगा ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर क्या होगा, ऑप्शन ये डी नंबर होगा। तो ऐसे जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ ऊपर मट्टी कर दीजिएगा, मतलब किसी और ऑप्शन पे मट्टी की जाएगा, सोच समझ के, क्योंकि बड़ा पछताना पड़ता है यार जब किसी चीज को, मतलब जो जानकारी हो और वो जब गलती हो जाता है ना तो बड़ा ही दुख होता है अंदर से, है ना, यार यार जानते थे यार कैसे गलती हो गया ना। तो बिल्कुल, तो ये चीज हम लोगों को नहीं करनी है ना। तो क्वेश्चन का सबसे पहले बढ़िया से समझना, भले ही समय ज्यादा लगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जो भी बनाना है एकदम आपको करेक्ट बनाना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम सभी का कि बिंदु ए 4.6 और -4.6 दोनों अवस्थित है, यानी कि यह जो है वह कहाँ पे अवस्थित है। तो सबसे पहले इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे चतुर्थांश यानी कि कार्तीय तल को यहाँ पे निर्धारित करेंगे, और आप सभी जानते हैं इसमें कि देख सकते हैं यहाँ पे x होता है और यहाँ पे जो होता है माइनस का x होता है, यहाँ पे y होता है और नीचे का माइनस का y होता है। ध्यान से समझते जाइएगा नहीं तो दिक्कत होगी आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4.6, तो 4 सबसे पहले जो पहला वाला अक्षर देता है वो x का वैल्यू देता है, तो x का वैल्यू किसमें होगा, तो यहाँ पे हो सकता है कहीं, मान लीजिए सपोज मान लीजिए यहाँ पे 4 है, ठीक है मान लेते हैं हम, उसके बाद से कह रहा है कि 6, तो 6 कब होगा, अब तो वाई अक्ष वाई रेखा पे होगा, तो वाई प्लस में है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों को मैच करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4.6, ये जो बिंदु प्राप्त होती है हम लोग का ये 4.6 प्राप्त होती है बिल्कुल। अब कह रहा है एक और बिंदु है, वो बिंदु क्या है, तो -4.-6, तो -4 जो है अब कहाँ पे होगा, अब तो x अक्ष के कहाँ होगा, तो बाईं ओर होगा, तो x अक्ष के बाईं ओर हम इसे मान लेते हैं यहाँ पे माइनस का 4 है बिल्कुल। अब उसके बाद से देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो -6 है, अब -6 कहाँ पे होगा, तो y अक्ष पे होगा, और y अक्ष के और ये नीचे होगा यानी कि माइनस वाला होगा, तो मान लीजिए माइनस वाला में यहाँ पे आपका माइनस का 6 है, ठीक है। अब इससे आप लोग क्या कीजिए, मैच किए, तो मैच करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा यानी कि -4.-6 होगा। चलिए यहाँ तो हम लोग समझे, अब क्वेश्चन क्या कह रहे थे कि दोनों अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, y अक्ष पर या फिर x अक्ष पर, या x अक्ष के एक ओर या फिर y अक्ष के दोनों, तो हम देख पा रहे हैं कि यह y जो अक्ष है इसके दोनों ओर है, न कि x अक्ष के एक ओर है, क्योंकि देख रहे हैं इधर भी y है नीचे और फिर ऊपर भी y है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा, है ना, समझ में आया बिल्कुल। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए जिससे कि अगर बदला भी जाता है क्वेश्चन को तो दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं बदला जाएगा, थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, जैसे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, है ना, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे नंबर दे दिया जाए तो दिक्कत आपको हो जाए वैसे में, हाँ, तो रटने का प्रयास नहीं, गणित में गणित को समझने की जरूरत है। ओके यहाँ तक आपने देखा, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी अद्भुत प्रश्न है, मतलब काफी शानदार प्रश्न है, और शानदार प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि संख्या 2.1311311311 .. यह है, यह कौन सी संख्या, बस आपको सिर्फ सिर्फ संख्या बता देनी है, तो यह संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, है ना, क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस संख्या को हम लोग पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं वो हम लोग का अपरिमेय संख्या होती है, या जिस संख्या में अगर रेकरिंग पाया जाता है या डॉट डॉट पाया जाता है तो हम लोग का अपरिमेय होती है। तो देख सकते हैं कि इसे हम लोग कभी भी पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। देखिए सिंपल भाषा में आप बस तैयारी कीजिए, ऐसे एडवांस मत जाइए ज्यादा, क्योंकि एडवांस आने की वजह से बड़ा दिक्कत होती है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसके पास हो गया वो समझिए कि गया यार, है ना, तो मतलब छोटी छोटी चीजें को याद करके रखिए जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर कर सके, ज्यादा चीजें नहीं, बस वही पढ़िए जो आपके लायक है, जो आपको पढ़ना है। अभी आगे जब आप बढ़ते जाइएगा तो आपको तो सारा जानकारी धीरे धीरे मिलते ही चला जाएगा,
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सा अभाज्य संख्या का जो मसा होता है यानी कि एचसीएफ होता है वह क्या होता है। ठीक है, सा अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो ये याद करके रखिएगा, इसका जो एचसीएफ होता है वह एक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे यार, कमेंट करके बताएंगे, और आप अंदाजा लगाइए कि आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है कि ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां ए जो जीरो जो है वह क्या है, आर से छोटा है या फिर उसके बराबर है, और आर छोटा है कि से बी से। अब ये कह रहा है कि उपयुक्त कथन निम्न में से किसका कथन है, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो कथन है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहां लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, शानदार उत्तर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये देखते हैं अगर आपके पास जवाब होगा इसका तो जरूर दीजिएगा, यानी कि आपको पता है तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदु -12 और -18 का भुज क्या होगा, यह क्वेश्चन हमेशा अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान करके रखिएगा, बस एक छोटा सा मेथड, थोड़ी सी बात आप याद करके रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक आप कहिए, मतलब कुछ भी कहिए, आप याद करके रखिएगा कि दो बिंदु, मतलब एक बिंदु दी गई होगी जिसमें पहला वाला जो मान होगा वह भुज होता है और दूसरा वाला जो मान होता है वह कोटि होता है। ठीक है, बस इतना ही याद करके रखिए, तो पहले वाला -12 है तो -12 क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। ठीक है, -12 क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा, यहाँ पे -12 हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद से कोटि क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, तो ये लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो भुज पूछ रहा है, तो भुज क्या हो जाएगा, -12, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, तो ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी के पास यही कह रहा है कि वाई अक्ष का जो समीकरण होता है वह क्या, तो ये काफी इजी है और काफी ज्यादा इसमें गलती भी करते हैं, देखिए जितना क्वेश्चन इजी होता है ना उसी में सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से, है ना। तो क्या होता है, देखिए अगर y अक्ष का समीकरण पूछता है तो x बराबर जीरो लिखेगा, क्या लिखेगा, x बराबर जीरो लिखेगा, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, और ध्यान से समझ करके इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लंबी रेखाओं की आवश्यकता होती है, जो कि काफी सोचने और समझने वाला क्वेश्चन है, करे कि किसी तल में एक बिंदु के स्थान को निर्धारण करने के लिए, सपोज मान लीजिए कि आपका एक तल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका वाई होता है और नीचे आपका माइनस का वाई होता है, देखिए ये जो कह रहा है ना इस चीज को याद करके देखिए, कहाँ पे एक्स और कहाँ पे माइनस वाई एक्स रहता है, कहाँ पे वाई माइनस का वाई रहता है ना, तो जो भी बात बोला जाता है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। सो यहाँ पे कह रहा है कि तल में बिंदु को निर्धारित करना है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक बिंदु को निर्धारित करना है कि यहाँ पे कौन सी बिंदु है, तो यहाँ पे जो लंबी रेखाओं की जो मतलब होगी वो कितनी होगी, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी बिंदु को दर्शाना होगा तो एक तो यहाँ से रेखा जाएगा और नीचे रेखा जाएगा, मिलाएंगे तब तो जाकर हम लोग का एक बिंदु पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे एक बिंदु है, इसको मिलाएंगे तभी तो पता चलेगा, यानी कि एक रेखा ये बन जाएगी और एक रेखा ये बन जाएगी, यानी कि हम लोग का जो हो जाएगी वह दो हो जाएगी, कि दो लंबी रेखाओं की हम लोग क्या हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वह इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। एक मान लीजिए यहाँ पे क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको प्रतिच्छेद यानी कि काट रही है, काटने वाले से जो बिंदु बनती है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे मूल बिंदु बनती है, यानी कि आपके क्या हो जाएगा मूल बिंदु, तो यानी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं मूल बिंदु कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर में दिया गया है, जो कि आपका ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आगे से वीडियो मिले, नहीं तो यार आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी फिर आपको दिक्कत होगा, एग्जाम सर पे आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या ना करे, है ना, तो ऐसा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप लोग क्लास डेली लीजिए यार, देखिए सुबह 6 बजे क्लास अपलोड हो जाती है, रात को 8 बजे क्लास है, 2 क्लास है, अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं इस समय तो आप दूसरे समय क्लास लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा जरूर क्लास, है ना, मिस करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, आगे चल के काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। प्रश्न कह रहा है कि निर्देशांक अक्ष तल चार भागों में विभाजित करती है, तो प्रत्येक भागों को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आपका एक है, ठीक है, निर्देशांक अक्ष तल जो है ये चार भाग में, कि ये यहाँ पे देख रहे हैं ये चार भाग जो है विभाजित करे, प्रत्येक को क्या कहते हैं, प्रत्येक को कहते हैं हम लोग चतुर्थांश,
चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चतुर्थांश कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काफी शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय किस गणितज्ञ ने जो है वह इसे क्या कर दिया था, प्रतिपादित कर दिया था, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की गौशनिक। और क्या थे? गौशनिक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे भैया क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न का स्पॉन्सर के जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग या अंतर क्या कहलाती है। देखिए, एक परिमेय संख्या हो गई मान लीजिए कि दो ही हो गई, और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए कि माइनस रूट का तीन हो गई। इनका जो अंतर हो गया या फिर इसका जो प्लस यानी कि इसका योग हो गया, क्या कहलाएगा? तो ये टोटल का टोटल संख्या बन जाएगी, हम लोग का अपरिमेय संख्या बन जाएगी। यानी कि बात ध्यान में रखिएगा कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो टोटल संख्या बनती है वह आपका अपरिमेय ही संख्या बनती है। ठीक है, अब ये बात हमसे बाद में मत कहिएगा कि सर यहाँ पे जो है वह टू लिख देते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग क्या लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टू लिख देते हैं और यहाँ पे रूट में जो हम लोग क्या कर देते हैं, नाइन लिख देते हैं। तो क्या है, कौन संख्या है? तो बाबू ये आपका परिमेय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो रूट नाइन है, नाइन को बाहर कर सकते हैं आप, थ्री इंटू थ्री होगा यानी कि तीन बाहर हो जाएगा, तो तीन तो परिमेय संख्या हो गया। तो देखिए सोच समझ करके, क्योंकि इसी तरह भूलिया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे गलती करे और उनका नंबर काटा जाए, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सोच समझ करके ऑप्शन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, सबको देखना है, समझना है, फिर उत्तर देना उसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है एक। कितनी होती है? एक। तो याद करके कितनी होती है? एक। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहता है ये। अगला प्रश्न है कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5x शून्यक है, इसका शून्यक क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, आइए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। एक शून्यक यहाँ पे बताना है, यहाँ पे कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 5 बराबर हम लोग कर लेंगे 0। इसमें पहले वाले पद से अंतिम वाले पद यानी कि a से हम लोग c में गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं क्या होगा, माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, 5 दूनी 10 और x में x स्क्वायर को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि माइनस 10x स्क्वायर को तोड़ करके हम लोग कितना लाना है, माइनस का 3 लाना है, तो 2x स्क्वायर रहने देते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं 5x लिख देते हैं और यहाँ पे 2x लिख देते हैं, अब माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि माइनस 5x और यहाँ पे प्लस 2x है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब जोड़ते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ये तो बराबर हो गया। अब माइनस 5x में 2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। बिल्कुल, तो हम लोग तो यहाँ तक सही किया है। अब देख रहे हैं यहाँ पे चार पद यहाँ पे बढ़ जा रहा है, तो चार पद को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब इसको जो चार पद है तो दो दो पद में से, तो देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x में क्या कॉमन लेंगे, बिल्कुल केवल x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ पे बन जाएगा केवल 2x और यहाँ पे बचेगा 5, क्योंकि यहाँ पे तो x बाहर कर लिया है और यहाँ पे 2x था, इसलिए यहाँ पे x बचा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद से प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को बाहर करेंगे, क्योंकि तब बचेगा हम लोग का एक्स 2x माइनस का यहाँ पे बचेगा 5, अब बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए कि x और प्लस 1 यहाँ पे है, तो यह 1 हो जाएगा, और एक दोनों में से जो ये 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 5, अब बराबर का 0। अब x प्लस 1 जो है वह x प्लस 1 बराबर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस का 1 निकलेगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद करके रखिएगा, भले ही यहाँ पे अंक चेंज कर दे सकता है। तो मेथड आपको बता दिए हैं कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो परेशान मत होइएगा, ये मत कहिएगा कि ना सर नहीं बता है, ना ऐसा चीज नहीं है यार। कोशिश करते हैं कि हम आपको सारी की सारी चीजें बता दें, ठीक है, बसरते आप में गलती ये होती है कि आप आधा वीडियो देखते हैं आधा नहीं देखते हैं, या फिर कोई वीडियो देखे होंगे कोई नहीं देखे होंगे, तो फिर दिक्कत होती है ऐसे, है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न, बाबू क्या कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या हुआ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टे की ए, तो माइनस बी यानी कि बी का वैल्यू तो माइनस का 11 है। अब कह रहा है पहले ये कह रहा है हम लोग का फॉर्मूला में कि माइनस का बी होता है, यानी कि एक और माइनस लगाएंगे हम लोग, और उसके बाद से बट्टे की ए, ए का वैल्यू कितना 6 है,
अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 11 और बट्टे का 6, 11 बट्टे का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 11 बट्टे का 6 कहाँ पे देगा, ऑप्शन सी नंबर पे देगा। तो ऑप्शन आपका जो सी नंबर होगा आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है चल, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। यहाँ पे एक चर में बहुपद आपको बताना है, तो बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपको एक चर में बहुपद नहीं है होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ए नंबर कह रहा है एक चर में बहुपद नहीं है, बाकी सब एक चर में बहुपद है, सबका सब एक चर में बहुपद है ना, यानी कि ये बहुपद में है लेकिन यह एक चर में बहुपद नहीं है। चलिए अगला देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। अगला देखिए ऑप्शन क्या है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी कभी बोलते बोलते समझ में नहीं आता है क्या बोला जाता है ना, चलिए, और इसीलिए कभी कभी गलती भी हो जाती है। तो कह रहा है क्वेश्चन की निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा एक्स अक्ष। क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है वह ए नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सटीक यानी कि बेहतरीन आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछता है। कह रहा है कि यदि 3θ बराबर 90 डिग्री हो, देखिए 3θ बराबर दिया गया है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री बटे 3 यानी कि 90 डिग्री बटे 3 क्या हो जाएगा 30 है ना, तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 30। अब कह रहा है कि cos थीटा का वैल्यू बताइए, तो cos आ यहां पे थीटा, थीटा का मतलब हमने क्या लिख लिया यहां पे 30 लिख लेंगे अब, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकला है 30 निकला है। तो अब हम लोग को यह ज्ञात करनी है कि cos 30 डिग्री का जो वैल्यूज होता है वो वैल्यू जो होता है वह क्या होता है। तो याद करके रखिएगा, इसका वैल्यू होता है ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है √3/2 दिया गया, यानी कि √3/2 दिया गया, इसका सही उत्तर। अब देखिए अगर आप कहेंगे कि सर इसको याद करेंगे कोई ट्रिक बताइए, क्योंकि बड़ा ही दिक्कत करता है, याद जल्दी होता नहीं है, बिल्कुल इसका भी ट्रिक है, लेकिन आप हमसे जुड़े रहिएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि इसका एक स्पेशल वीडियो लाएंगे और उसमें आपको ट्रिक बता देंगे। तो उस ट्रिक के माध्यम से सारा कुछ आपको याद हो जाएगा कि cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, या फिर tan 30 डिग्री, या फिर sin का, या फिर cosec का, या फिर sec का, मतलब सारा का वैल्यूज आपको याद हो जाएगा। बस आपको चुटकियों में याद करने का तरीका हम आपको बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम आपको वीडियो बनाए तो आपको वीडियो मिला करे। अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण त्रिभुज एबीसी, यह एक त्रिभुज आपका एबीसी देख रहा है, त्रिभुज आपको चित्र में दिया गया है। कह रहा है कि AB बटे AC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, AB बटे AC का वैल्यू बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कोण दिया गया है वो कोण यहाँ पे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे अल्फा दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, कह रहा है कि AB यानी कि ये वाला बटे क्या कह रहा है AC यानी कि ये वाला, यानी कि यहाँ पे लंब और यहाँ पे कर्ण। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये कोण दिया गया है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो अब ये लंब होगा, ये आपका एक नियम होता है कि जहां से जहां पे कोण दिया गया, अगर ए से एक के सामने वाला भी होगा, अगर यहां से दिखता, अगर यहाँ पे कोई बना होता कोण तो यहां से दिखते तब यहाँ पे लंब होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि त्रिभुज ऐसे बन गया है तो हमेशा जो है वह यही लंब होगा ना, अगर यहां से बात हम लोग करेंगे तब तो यहाँ वाला जो कोण हो जाएगा वह लंब हो जाएगा, यहाँ वाला भुजा जो हो जाएगा वह लंब हो जाएगा, और जब सी से देखेंगे तो अब यहाँ वाला भुजा जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। तो इस चीज को कंफर्म करना है कि कहां से ये पूछा जा रहा है, तो हम लोग देख पा क्या पा रहा है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ऊपर से दिया गया, यानी कि ए वाला से देख रहा है, तो ए वाला से जब आप देख रहे हैं तब तो ये लंब होगा, यानी हो जाएगा BC बटे AC यानी कि आधार। अब यहाँ पे आधार नहीं, यहाँ पे लंब, तो यहाँ पे अब ये तो आधार है, यहाँ पे लिखने के क्या पूछ रहा है, ये तो AB बटे AC पूछ रहा था, यानी कि ये पूछ रहा था, लेकिन अब तो ये बदल गया, तो ये बदल के क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा cos में, तो cos में हो जाएगा, और cos में थीटा का वैल्यू क्या क्या दे दिया, यहाँ पे अल्फा दिया है, तो cos अल्फा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कि cot स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, cot स्क्वायर थीटा। तो ये तो काफी इजी है, ये भी फॉर्मूला है और इसका भी याद करने का ट्रिक है,
मात्र तीन को याद कीजिएगा, आपका नौ छ पूरा मतलब कोई को याद हो जाएगा, मतलब बहुत सारा याद हो जाएगा आपको। इसका भी ट्रिक है, हम आपको वो भी बताएंगे एक स्पेशल वीडियो लेकर के। फिलहाल आपको बता देते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, याद है तो नीचे कमेंट करके बताते रहिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पे बहुपद नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इस चार ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे, वह बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट में एक्स दिया गया है, जो कि बहुपद का यह नियम नहीं कहता है कि रूट में वह होना चाहिए, क्योंकि रूट को जो बाहर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, घात माइनस में हो जाएगा, तो ये नहीं कहता। वह चर का मान घातांक कहता है, यानी कि धनात्मक कहता है वो, है ना, वो ऋणात्मक वाला कुछ भी नहीं सुनता है, कहता ना कुछ तो मत रख यहाँ से भाग जा। बिल्कुल, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स पाई बटे टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर से गुणा जो है वो किसमें किया गया है, तो यानी कि आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर से गुणा किया गया है वो पाई बट्टे की किसमें किया गया है, टू में गुणा किया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका जो कह रहा है वो आपका ऑप्शन ए नंबर में कह रहा है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल क्रोम में DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है वो आपको सर्च करना है, तो आपके सामने फटाफट ओपन होकर क्या गया DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है, न कि कहीं और। DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो थ्री डॉट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा, वैसे तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन आपको एक आसान तरीके बता देते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है कि थ्री डॉट पे क्लिक करना है, डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे देख सकते हैं आ चुका है कि डाउनलोड 10th मॉडल पेपर 2022 के लिए। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहां पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए, जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा, यहां पे अगर ऐड वगैरह आता है तो आपको बंद कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे जाना है तो आपको सबसे सब्जेक्ट पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले साइंस है, साइंस पे क्लिक करके दिखा देते हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आ चुका है मॉडल पेपर, और इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ चुका है, और इसका उत्तर जो है भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे इसमें का जबरदस्त जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है, है ना, तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त है ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, बड़ी मज़ा आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, जो भी आपका सही जवाब होगा उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सही है तो देखिए सही भी आ चुका है, गलत होता तो आपको बता देता है, फिर आगे जाना है, है ना, और इसमें एक आवाज़ भी उत्पन्न होगी, आपको बताएगा भी कि आपका सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका सही या फिर गलत है आपको यह आवाज आएगा अमिताभ बच्चन का, तो फटाफट से कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है काफी बढ़िया प्रश्न, और देखिए यहाँ पे आपको सोचने वाली मतलब की जरूरत है, यहाँ पे मतलब ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x का घात जो होता है वह क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि 5x³ और प्लस 4x² प्लस x का घात पूछ रहा है, तो घात वही होता है जो सबसे ज्यादा होता है। तो x में देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 5x² है, तो 5x में किसमें, यहाँ पे 5x² में घात 3 ज्यादा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन इसका 3 यहीं पे दिया गया है जी, कहाँ भगा रहे हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर, इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। तो बस आज की इस वीडियो में बस मात्र 25 ही प्रश्न, आगे की इस वीडियो में आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और क्वेश्चन को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे, दोस्तों में शेयर कर जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको भी फायदा हो और अपने दोस्त को भी फायदा